और पीरियड्स में हम लोग जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, वो पेन किलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगी हैं। पेन किलर कितना हानिकारक हो सकता है एक महिला की हेल्थ के लिए अगर वो पीरियड्स में रेगुलर पेन किलर खा रही है तो? देखिए, ऐसा होता है कि ये कह सकते हैं कि या तो हमारी बियरिंग कैपेसिटी कम हो गई है पेन को बियर करने की, या सेकेंडली जब हमारे को बहुत पेन होता है तो उसके कारण ओनली सिर्फ पीरियड नहीं होता है, उसमें पीरियड के साथ साथ अगर हमें अंडरलाइन कोई डिजीज है जिसकी वजह से हमें बहुत पेन, अंडरलाइन डिजीज में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, अंडरलाइन डिजीज में एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, अंडरलाइन डिजीज में पीसीओडी भी हो सकता है, और अंडरलाइन डिजीज में कुछ ओवेरियन सिस्ट टाइप का भी हो सकता है। तो अगर हम अंडरलाइन डिजीज को इग्नोर करके हम ये सोचते हैं कि पेन किलर खा लें हमारी जिंदगी चलती रहेगी, बट वी आर इग्नोरिंग अवर बॉडी, कि उससे क्या होता है कि कल को वो डिजीज अंदर अंदर बढ़ जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि अगर सिस्ट है, सिस्ट की वजह से आपको पेन हो रहा है और आपने सोचा कि मुझे तो पीरियड की वजह से पेन है, तो वो कई बार सिस्ट सडनली रप्चर हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, एंड देन इट विल बी अ ग्रेट इमरजेंसी। तो इसलिए ऐसे ही मूंगफली की तरह, चने के दाने की तरह पेन किलर नहीं खाने चाहिए, क्योंकि पेन किलर इट्सेल्फ हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स आल्सो। हमेशा किसी डॉक्टर के पास जाकर उससे सलाह लेकर कि हमें इतना पेन किलर खाना पड़ता है, तो उस रीजन को जानना चाहिए और उस रीजन का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मैम और भी सवाल ये है कि हेल्दी वजाइना का पीएच लेवल क्या होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि आप इससे पीएच लेवल जो है वजाइना का वो सही रहेगा, ये वाला वॉश या ये सोप या फिर ये कुछ लिक्विड इससे आप वजाइना क्लीन करिए। लेकिन जितना हमने सुना है, जितना हमने पढ़ा है, आप तो बहुत बेहतर जानती हैं कि वजाइना एक ऐसा ऑर्गन है, ऑर्गन कह सकते हैं हम इसे, कि ये सेल्फ क्लीनिंग है। नहीं, सेल्फ क्लीनिंग है बट इट इज अ लिटिल ह्यूमिड एरिया ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर जैसे किसी बारिश में कहीं पर सीलन आ जाती है किसी घर के अंदर, जी और जब सीलन आती है ना, आपकी तो पाइपलाइन है अच्छी तरह से चल रहा है, फ्लो चल रहा है, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वहां पर किसी कारण से, किसी की वजह से आपके उधर इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर कुछ पाइपलाइन में कुछ फट गया, कि आपकी दीवार में सीलन आ गई है। जब वो सीलन आ जाती है तो उस वक्त उस एरिया को एल्कली रखना ज्यादा बेटर है, तो उस वक्त हमें जरूर उस तरह की चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उस एरिया को हम पीएच वैल्यू को बढ़ा सके, जिससे कि वो एरिया एल्कली रहे, नहीं तो जितना एसिडिक होगा तो उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और रेगुलर में भी देखिए, वेजाइनल ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग, इट इज वेरी नियर टू ईच अदर, इजंट इट? तो उसमें क्या होता है कि जब हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वेजाइना में भी वो यूरिन का टच हो जाता है। तो बिल्कुल कई लोगों की आदत होती है कि यूरिन पास करने गए, उसको धोते नहीं, उस एरिया को ड्राई नहीं करते, तो वो भी एक इन्फेक्शन का कारण बनता है, और यूरिन तो हमारा एसिडिक ही होता है, तो इसलिए उस एरिया को हाइजीनिकली ड्राई रखना चाहिए, एल्कलाई रखना चाहिए, तो उसको एक मॉडरेट क्वांटिटी में हमें इन चीजों को यूज करना चाहिए। बट इट इज नॉट लाइक कि बिकम अ साइकोलॉजिकल इशू कि एवरी 10 मिनट्स इवन विदाउट पासिंग वी आर जस्ट वॉशिंग द एरिया, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग।